नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली रिक्तियां। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के लिए 857 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री के साथ साथ लॉजिकल मेजरमेंट का भी होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 10 मार्च 2021 तक इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबलिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार विधानसभा के 10 साल पूरे होने पर आज स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन। बिहार विधानसभा ने आज 100 साल पूरा कर लिया है। वहीं इस मौके पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन करवाया गया था, यानी कि आज से ठीक 100 साल पहले 7 फरवरी को ही बिहार विधानसभा की स्थापना गई थी। इतना ही नहीं, आज ही के दिन पहले सत्र और पहली अधिसूचित भवन में बैठक का आयोजन भी करवाया गया था। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई तब यह बिहार उड़ीसा विधानसभा के नाम से जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शताब्दी समारोह में विधानसभा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन 2 चरणों में करवाया जा रहा है। पहले चरण का उद्घाटन आज होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करने वाले हैं। वहीं दूसरे चरण का आयोजन बजट सत्र के बाद आयोजित होगा। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र PPTCT बिहार में बनकर हुआ तैयार। कोरोना के बाद से समूचे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू ढंग से चलाने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में आने वाले समय में यह परेशानी का सामना करने के लिए भारत पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में अब उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र बिहार के पूर्णिया जिले में बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद अब जल्द ही इसके औपचारिक उद्घाटन की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अब पूर्णिया के आसपास के लोगों को एड्स के जांच के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से यूनिसेफ और बिहार के तरफ से उत्तर भारत का पहला एड्स के लिए मॉडल परामर्श और जांच केंद्र बनाया गया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के जल्द होने की बढ़ी संभावना। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगा ग्रहण जल्द ही खत्म होने वाला है। इस बाबत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपना संकेत दे दिया है, जिसके तहत उन्होंने संभावित डेट का खुलासा किया है। जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार बजट सत्र से पहले पहले कर दिया जाएगा। हालांकि गौर करने की बात यह है कि बिहार में बजट सत्र की शुरुआत 19 फरवरी से होने वाली है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र से पहले 15 फरवरी तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि बजट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहले ही कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार की सारी जानकारी आपको भाजपा से लेनी चाहिए। जानकारों की माने तो मंत्रियों के नाम पर एकमत राय नहीं बनने के कारण ही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। BSSC जल्द ही निकालने जा रही है 1000 पद पर वैकेंसी। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करती नजर आ रही है, जिसके तहत BSSC ने जल्द ही 1000 पद पर रिक्तियां निकाले जाने की बात कही है। जिसके तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग होली से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकालने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास अलग अलग विभाग से सूची आने लगी है। अब तक कुल मिलाकर 1500 रिक्तियां आ चुकी है और सभी विभागों से आने के बाद इनमें 2 से 2500 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि 7 सालों के बाद अब इसके विज्ञापन के आने की उम्मीद जागी है। इससे पहले साल 2014 में इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया था। सीमांचल में 1079.71 करोड़ की लागत से पथ निर्माण को केंद्र से मिली हरी झंडी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर सीमांचल के नेशनल हाईवे 327E के गलगलिया से अररिया के बीच 94 किलोमीटर लंबी 4 लेन पथ का निर्माण कार्य शुरू करने का ऐलान किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके निर्माण के लिए न्यूनतम निविदा कार्य का निर्धारण भी कर दिया है। इस बाबत मंगल पांडे ने बताया है कि 1079.76 करोड़ रुपए की लागत से इस पथ का निर्माण 2 पैकेज में होगा। पहले पैकेज में 979.67 करोड़ का गलगलिया से बहादुरगंज का है, जिसकी लंबाई 49 किलोमीटर है। दूसरा पैकेज के तहत 100.09 करोड़ की लागत से बहादुरगंज से अररिया के बीच 45 किलोमीटर 4 लेन पथ बनेगा। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 327E के मार्ग लेखन पर 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम निविदा कर को शीघ्र कार्य आवंटित करते हुए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद काम शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार में सांसद फंड के लिए फर्जीवाड़े में पकड़ा गया आरोपी। बिहार में हाल ही में सांसद के फंड के साथ फर्जीवाड़े की खबर सामने आई थी। बिहार के महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के फंड से 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी
इस दौरान की गई थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद मानो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया हो। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के संसद क्षेत्र विकास कोष से 89 लाख के फर्जीवाड़े के मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत की जांच आला अधिकारी कर रहे हैं। संसद ने सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में महाराष्ट्र में राशि स्थानांतरित की गई। संसद के शिकायत के बाद गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी बैंक खाताधारक को गुजरात के अहमदनगर से गुरुवार की देर शाम पकड़ लिया है। हालांकि अभी आरोपी से पूछताछ जारी है। मुख्य सचिव ने सारण डीएम से मामले की गहराई से जांच करने और रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन से बिहार देश भर में पहले स्थान पर। बिहार समेत पूरे देश में कोविड-19 की वैक्सीन मुहैया करवाए जाने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। हालांकि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पूरे भारत में बिहार इस मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। खबरों की माने तो बिहार लक्ष्य का 76.6% कोरोना टीकाकरण कर देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शनिवार की देर रात जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निबंधित स्वास्थ्य कर्मियों में से सबसे अधिक लाभ देश के 13 राज्यों ने प्राप्त किया है। इसमें बिहार 76.6% लक्ष्य के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। मध्य प्रदेश 76.1% टीकाकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। मंत्रालय के अनुसार त्रिपुरा ने 76%, उत्तराखंड ने 71.5% स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका देने का काम किया जा चुका है। मैथिली भाषियों के लिए खुशखबरी। बिहार में मैथिली भाषा बोलने वालों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक अखिलेश झा ने हाल ही में मैथिली बोलने वालों के लिए सहज भाषा में पुस्तक प्रकाशित करने का ऐलान किया है, जिसके लिए पत्रिका, ब्लॉग, लेखन, टीवी, रेडियो कार्यक्रम भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, विज्ञापन प्रसार ने जो भी बीड़ा उठाया है वो स्वागत योग्य है। मिथिला ही नहीं बल्कि देश और विदेश में रहने वाले मैथिली भाषियों के लिए भी यह ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्था विज्ञान प्रसार ने यह निर्णय लिया है। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर इसके लिए बधाई के पात्र है। बैठक को संबोधित करते हुए विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर ने कहा है कि हमने कई भाषाओं में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का काम किया है। हमें बेहद खुशी है कि अब हम मैथिली में यह प्रयास कर रहे हैं। सभी का बेहतर साथ और समय मिला तो विज्ञान की दुनिया की बात लोग मैथिली में देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। जदयू ने उत्तर प्रदेश चुनाव में मजबूती से उतरने का किया ऐलान। जदयू ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत जदयू के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश में जदयू की किस्मत आजमाने का ऐलान किया है। जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए अपार संभावनाएं हैं और जरूरत इस बात की है कि हम अपनी ताकत को पहचाने और उसके अनुरूप कदम उठाते हुए चुनाव में सफलता हासिल करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी भी सौंप दी है और कहा है कि राज्य के सभी जिलाध्यक्षों एवं पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता के द्वारा पार्टी के नीतियों और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में राज्य के लोगों को विस्तार से बताएं। आपको बता दें, उक्त बातें आरसीपी सिंह ने बीते दिन राजधानी दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान कही है। रुपेश सिंह मामले में आज मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं परिजन। पिछले महीने रुपेश सिंह मामले के बाद से लगातार परिजनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की गुहार की थी, जिसके बाद आज रुपेश सिंह के परिजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के परिवार वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचेंगे। साथ ही जानकारों की माने तो इस दौरान परिजन सीबीआई जांच की मांग भी कर सकते हैं। यही जानकारी रुपेश के परिजनों ने दी है। इससे एक दिन पहले पटना एसएसपी ने रुपेश की पत्नी से मिलकर उन्हें इस पूरे मामले से संबंधित तमाम जानकारियां भी साझा की थी। इसके साथ ही उन्होंने रुपेश की पत्नी को पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई थी। पुलिस की माने तो ऋतुराज के फोन में पुलिस को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे ऋतुराज का ही हाथ है। हालांकि पुलिस अभी तक इसके मोबाइल फोन को सार्वजनिक करने में असफल साबित हुई और यह भी स्पष्ट नहीं कर सकी है कि मोबाइल कहां है। 7 दिवसीय दौरे पर 9 फरवरी को बिहार आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत 7 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वो 9 फरवरी को पटना पहुंच जाएंगे। बिहार में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वो 15 फरवरी को वापस लौटने वाले हैं। बिहार दौरे में संघ प्रमुख कई बैठक और कार्यक्रम का हिस्सा लेने वाले हैं। पटना एम्स के समीप सेवा सदन का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के नवनिर्मित संघ कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। संघ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र कार्यवाह मोहन सिंह ने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 9 फरवरी को पटना पहुंच रहे हैं। 10 फरवरी को संघ के दक्षिण बिहार प्रांत कार्यकारिणी की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। भोजन के बाद संघ की विभिन्न गतिविधियां मसलन गौ सेवा और संवर्धन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण के साथ साथ विकास और कुटुंब प्रबोधन इत्यादि को लेकर के वो प्रमुख स्तर पर प्रमुख कार्यकर्ता के साथ बातचीत करेंगे। परिवहन विभाग ने कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किया खास पहल। परिवहन विभाग ने पदाधिकारी और कर्मियों की कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग सामुदायिक भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिन करवाया था। पदाधिकारी और कर्मियों की कार्यक्षमता में किस प्रकार वृद्धि और तनाव रहित कार्य कर सके, इसके टिप्स विशेषज्ञ द्वारा दिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा माह के दौरान व्यापक रूप से जिलों में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। इसके साथ ही कहा है कि सड़क सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों हर व्यक्ति की जिंदगी के लिए सबसे
महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मन को नियंत्रित करने का सबसे बेहतर माध्यम योगाभ्यास ही है। इसके साथ ही परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने दायित्व का निर्वहन और भी बेहतर तरीके से तनाव रहित होकर कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य स्वास्थ्य जाँच के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम नायरा की नानी लता सब्रवाल ने टीवी इंडस्ट्री को कहा अलविदा। टीवी एक्ट्रेस लता सब्रवाल ने टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लता मशहूर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ते हैं प्यार के में मुख्य भूमिका में नजर आई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि वो वेब सीरीज शो और कैमियो करने के लिए तैयार है, लेकिन टीवी इंडस्ट्री को वो क्विट कर चुकी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में वो अक्षरा सिंघानी और हिना खान की मां रात्रि की भूमिका में नजर आई थी। इनके रोल को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं अब इस बात का फॉर्मली अनाउंस कर रही हूं कि मैंने टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है। हालांकि मैं वेब सीरीज और कैमियो करने के लिए तरीके से तैयार हूं। टीवी इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, उसने मेरी जिंदगी में एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई जर्नी की शुरुआत के लिए पूरी तरीके से मैं तैयार हूं। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शुरुआत नहीं दिखी अच्छी। भारत और इंग्लैंड के बीच लगातार पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 578 रनों का स्कोर बनाया। वहीं अब भारत को इन रनों को बनाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की जंग शुरू हो चुकी है। हालांकि भारत के लिए शुरुआती समय कुछ सही नहीं मिली। मिली जानकारी के अनुसार मैच के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने खबर लिखे जाने तक भारत को पहला झटका देते हुए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम पर लगातार काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत ने अभी हार नहीं मानी है और भारतीय टीम लगातार 2 विकेट के नुकसान के साथ इस मैच को जीतने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।